आपने मुझे पहले आप मिले हैं, अब आपको कितना फर्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भेड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा, ऐसी जलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक, मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। आपको जब लेके गए थे, उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था। मुझे कुछ, कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती और जाती रहती हैं। ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। इमरान, लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, और वो सबसे बड़ा मुझे स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, सारे लोग शहीद हो गए। मीडिया वाले जहाँ थे वहां पे ऊपर से बम गिरे, वो भी शहीद हो गए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है, बहुत सा। इमरान भाई, ये बताइए, बुखारी ने आपसे मतलब मैं इंटरव्यू किया तो बहुत ही, मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस।